हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बायोलाइन स्टडी टूर। तो आपका बहुत सारा सपोर्ट रहा है अभी तक जो भी वीडियो डाले। तो आज और एक नया वीडियो मैं डालने जा रहा हूँ, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। वो बायोकेमिस्ट्री का टॉपिक है, जो MM इक्वेशन, माइकलिस मेंटेन इक्वेशन। तो एंजाइम काइनेटिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल है MM इक्वेशन, वो आज हमें स्टडी करना है। सो माई सेल्फ हरेश कलसरिया एंड दिस इज बायोलाइन एंड यू आर द पार्ट ऑफ बायोलाइन। थैंक यू फॉर शेयरिंग माई चैनल, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो आपको पता है कि एंजाइम क्या है? जो एंजाइम इज सिमिलरली नोन एज बायो कैटालिस्ट, बायोलॉजिकल कैटालिस्ट। दैट मीन्स दैट इंक्रीज द रेट ऑफ बायोलॉजिकल रिएक्शन और इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ बायोलॉजिकल रिएक्शन। दैट मीन्स कि कोई भी रिएक्शन है, उसका रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करने का काम, उसको कैटालाइज करने का काम किसका है? एंजाइम का है। हमें पता है कि मेजोरिटी जो एंजाइम है, उसके नोमेनक्लेचर में हम एंजाइम के नाम के पीछे सफिक्स में हम क्या डालते हैं? ASE डालते हैं। तो क्लासिफिकेशन और वो सब अभी हम बात नहीं कर रहे, डायरेक्टली हम फोकस करते हैं MM इक्वेशन पे, और वो है एंजाइम काइनेटिक्स। तो माइकलिस और मेंटेन ये दो ऐसे साइंटिस्ट है जिसने ये एंजाइम काइनेटिक्स का मॉडल प्रपोज किया था, और उसके अंदर उसने KM क्या है और Vmax क्या है, उसका इंपॉर्टेंस, उसका सिग्निफिकेंट बताया था। तो कोई भी एक एंजाइम रिएक्शन है जिसके अंदर, सिंपल एंजाइम रिएक्शन में क्या होता है, तो नॉर्मली हमें पता है कि जो भी एंजाइम रिएक्शन होता है उसके अंदर, मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि सिंपली क्या होता है कि ई प्लस एस दैट गिव्स यू ई एस कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, एंड ई एस कॉम्प्लेक्स में ऐसे क्या मिलता है? ई प्लस पी। तो ये है एक एंजाइम का स्पेसिफिक एक्शन कि जिसके अंदर सब्सट्रेट है, वो सब्सट्रेट बाइंडिंग साइट, दैट मीन्स एक्टिव साइट के साथ बाइंड होता है यहाँ पे जो एंजाइम के अंदर, और फिर ई एस कॉम्प्लेक्स बनाता है, और ई एस कॉम्प्लेक्स का फिर कन्वर्जन होता है ई प्लस पी, दैट इज वी आर गेटिंग प्रोडक्ट्स, एंड एट द एंड एंजाइम इज अगेन अवेलेबल फॉर रीयूज। सो यहाँ पे लिखा है कि एंजाइम एंड सब्सट्रेट कंबाइन विद ईच अदर टू फॉर्म एन अनस्टेबल एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो जैसे मैंने ऊपर बताया कि E plus S सब्सट्रेट बाइंड विद एंजाइम, एंड दैट विल गिव यू ES कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, एंड रिजल्टिंग वी विल गेट अवर प्रोडक्ट्स। सो ये जो पूरा एंजाइम का एक्शन है, उसके ऊपर बहुत सारे फैक्टर्स है जो अफेक्ट करते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी, तो हम बोल सकते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सब्सट्रेट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, pH, टेम्परेचर, एक्टिवेटर्स, मेटल्स। तो ये सब जो फैक्टर्स है वो एंजाइम की एक्टिविटी पे अफेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ बाइंड होता है तो ES कॉम्प्लेक्स मिलता है, और उसमें से हमें प्रोडक्ट मिलता है, दैट इज ई प्लस पी। सो यहाँ पे अगर सबस्ट्रेट की जगह इनहिबिटर बाइंड हो गया, दैट मीन्स अगर यहाँ पे आई बाइंड हो गया इनहिबिटर, दैट मीन्स कि एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होगा और वी विल नॉट गेटिंग अवर प्रोडक्ट। सो ये जो पूरा एंजाइम काइनेटिक्स है, एंजाइम की जो गतिविधि है, वो हमें स्टडी करनी है। तो यहाँ पे देखो कि K1, K2 एंड K3, ये जो तीन है वो वेलोसिटी कांस्टेंट, राइट। इसी तरह आप देख सकते हो कि KM वैल्यू है, यहाँ पे टाइटल में लिखा है कि एंजाइम काइनेटिक्स एंड KM वैल्यू। तो KM क्या है? सो K दैट इज कॉन्स्टेंट एंड M स्टैंड्स माइकलिस मेंटेन। सो KM इज द माइकलिस मेंटेन कॉन्स्टेंट, और सिमिलरली हम बोल सकते हैं ब्रिग एंड हेल्डेंस कॉन्स्ट। तो KM के लिए एक फॉर्मूला दिया है, सो KM इज इक्वल टू K2 प्लस K3 डिवाइड बाय K1। तो आपको KM की वैल्यू मिलेगी, दैट मींस ऊपर का जो रिएक्शन है उसमें अगर आपको वेलोसिटी कॉन्स्टेंट की वैल्यू पता है K2, K3 और K1 की, तो आप KM वैल्यू फाइंड कर सकते हो। बट ये जो इक्वेशन है उसका सुटेबल एल्जेब्रिक मैनिपुलेशन करके हमें जो इक्वेशन मिलता है वो ये इक्वेशन। तो ये इक्वेशन आपको याद रखना है और ये समझना है, क्योंकि ये बहुत कैलकुलेशन में काम आता है। आप इक्वेशन देखो, लाइक वी इज इक्वल टू वी मैक्स एस डिवाइड बाई के एम प्लस एस। तो यहाँ पे वी है वो क्या है? तो दैट इज मेजर्ड वेलोसिटी, जो आपको मेजर करनी है, देन वी मैक्स दैट इज मैक्सिमम वेलोसिटी। इसी तरह अगर यहाँ पे ऐसा लिखे हाफ वी मैक्स, तो ये हुआ हाफ मैक्सिमम वेलोसिटी। लाइकवाइज एस यहाँ पे जो ऊपर और नीचे दिया गया है वो है सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, एंड के एम इज द माइकलिस मेंटेन कॉन्स्टेंट। सो ये जो फॉर्मूला है उसके अंदर अगर मेजर्ड वेलोसिटी अगर हमें हाफ वी मैक्स मिले, राइट, तो ये वी इज इक्वल टू हाफ वी मैक्स हमें लिखना है। सो आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ वी इज इक्वल टू हाफ वी मैक्स, वी विल गेट डायरेक्टली
31। उसमें आपको आपने क्या किया कि v की वैल्यू आपने यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दी, तो यहाँ पे मिला हाफ वी मैक्स इज इक्वल टू वी मैक्स एस डिवाइड बाई के एम प्लस एस। अब आपको सिर्फ क्या करना है, क्रॉस करना है। तो क्रॉस करने के बाद आपको मिलेगा, तो ये के एम प्लस एस है वो यहाँ पे चला गया, ये टू है वो ऊपर चला गया। सो दिस इज हाउ यू आर गेटिंग बाई क्रॉसिंग, यू विल गेट के एम प्लस एस। ये के एम प्लस एस ऊपर चला गया, टू यहाँ पे चला गया और वी मैक्स नीचे डिवाइड में आ गया। सो रिजल्टिंग वी आर गेटिंग के एम प्लस एस इज इक्वल टू टू वी मैक्स एस डिवाइड बाई वी मैक्स। तो वी मैक्स कैंसिल हो जाएगा, तो अब हमें मिला के एम प्लस एस इज इक्वल टू टू एस। अब ये एस यहाँ पे है प्लस, वो राइट साइड चला जाएगा, तो देट विल बिकम माइनस। सो के एम इज इक्वल टू टू एस माइनस एस एंड रिजल्टिंग वी आर गेटिंग के एम इज इक्वल टू एस। तो यहाँ पे क्या हुआ कि के एम दैट इज माइकलिस मेंटेन कॉन्स्टेंट इक्वल टू सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, ये हमें याद रखना है। और वही फॉर्मूला जो लास्ट में हमें मिला वो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि के एम इज इक्वल टू सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन। उसका मीनिंग क्या हुआ कि के एम इज इक्वल टू सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन होगा तब क्या होगा, तो आपके रिएक्शन में जितने भी एंजाइम मोलिक्यूल्स है उसमें से 50% एंजाइम मोलिक्यूल्स है वो सबस्ट्रेट के साथ बाइंड हो जाएंगे, सबस्ट्रेट के साथ बाइंड हो जाएंगे। दैट मीन्स जितने भी एंजाइम मोलिक्यूल्स है उसमें से हाफ एंजाइम मोलिक्यूल, दैट मीन्स 50% एंजाइम मोलिक्यूल सबस्ट्रेट के साथ बाइंड हो गए तब क्या होगा, के एम इज इक्वल टू सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन। दैट मीन्स माइकलिस मेंटेन कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, एक ये चीज आपको याद रखनी है। दूसरी यहाँ पे जो लिखा है कि के एम और माइकलिस मेंटेन कॉन्स्टेंट इट कैन बी डिफाइंड एज सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन टू प्रोड्यूस हाफ मैक्सिमम वेलोसिटी। तो के एम का मतलब क्या हुआ, के एम दैट मीन सबस्ट्रेट का इतना कॉन्सेंट्रेशन जो क्या प्रोड्यूस करता है, हाफ मैक्सिमम वेलोसिटी। ये मैं आपको ग्राफ में से समझाता हूँ, बट सिंपल डेफिनेशन में क्या लिखा है, के एम और माइकलिस मेंटेन कॉन्स्टेंट कैन बी डिफाइन एज सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन टू प्रोड्यूस हाफ मैक्सिमम वेलोसिटी, टू प्रोड्यूस हाफ मैक्सिमम वेलोसिटी इन एनी एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन। तो अब ग्राफ में हम देखते हैं कि वो क्या है, तो यहाँ पे आप देखो कि ये सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन का ग्राफ है, सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन का ग्राफ है। उसके अंदर आपने देखा कि ये जो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि ये जो के एम वैल्यू है, ये जो यहाँ पे के एम वैल्यू है वो क्या है, तो के एम कैन बी डिफाइंड एज द सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन। तो इतना सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन जो क्या प्रोड्यूस करता है, तो हम बोल सकते हैं कि के एम कैन बी डिफाइंड एज सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन दैट प्रोड्यूस हाफ मैक्सिमम वेलोसिटी, राइट। तो यहाँ पे हमें पहले वीमैक्स मिलेगा, राइट, और ये वीमैक्स के हिसाब से हम काउंट कर पाएंगे हाफ वीमैक्स, और हाफ वीमैक्स से सीधी लाइन हमें यहाँ पे जो हमने यहाँ पे लाइन ड्रॉ किया है ग्राफ के अंदर वहां पे इंटरसेक्ट करके डायरेक्टली आपको मिलेगी के एम वैल्यू। दैट मीन्स के एम कैन बी डिफाइंड एज सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन विच प्रोड्यूस हाफ मैक्सिमम वेलोसिटी। तो हाफ वीमैक्स वैल्यू मिलेगी आपको, उसके हिसाब से आपको सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन मिलेगा। तो आप बोल सकेंगे कि जब इतना सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन होगा तब हाफ मैक्सिमम वेलोसिटी होगी। सो दिस इज द माइकलिस मेंटेन कॉन्स्टेंट। अब दूसरी एक चीज है कि जब भी एंजाइम काइनेटिक्स हम स्टडी करें, तो एंजाइम काइनेटिक्स के केस में एंजाइम का जो रिएक्शन है उसके ऊपर इनहिबिटर का भी बहुत सारा इफेक्ट है। तो इनहिबिटर जब एंजाइम के ऊपर इफेक्ट करेगा, तो नॉर्मली हम कह सकते हैं कि इनहिबिटर शोज थ्री ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ इनहिबिशन। उसमें हम बोल सकते हैं रिवर्सिबल आएगा, एक इरिवर्सिबल आएगा और एक एलोस्टेरिक इनहिबिशन आएगा। और उसके अंदर अगर रिवर्सिबल की बात करें तो कॉम्पिटिटिव आएगा, नॉन कॉम्पिटिटिव आएगा और अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन आएगा। तो अगर इतना इनहिबिशन आप जान ले तो आपको पता चलेगा कि हाउ इनहिबिटर गिव्स इट्स इफेक्ट ऑन एंजाइम, और वी कैन से हाउ कैन वी अंडरस्टैंड एंजाइम इनहिबिशन एक्टिविटी, राइट। एंड उसको हम बेनिफिशियल वे में भी यूज कर सकते हैं मेडिकल ट्रीटमेंट में, या तो उसका एक्सप्रेशन है उसको रेगुलेट कर सकते हैं, उसकी कैटालिटिक एक्शन है वो रिड्यूस कर सकते हैं, वो डिक्रीज कर सकते हैं, उसका कंफर्मेशनल जो चेंजेस हो जाता है इनिबिटर के बाइंड होने से वो कहीं ना कहीं हम यूजफुल वे से उसको यूज कर सकते हैं अगर उसके ऊपर स्टडी करें। तो यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा काइनेटिक्स एंजाइम काइनेटिक्स का मॉडल MM इक्वेशन हमने स्टडी किया, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में काम आएगा। तो आप अच्छी तरह से नोट बनाए, यहाँ पे जो मैंने आपको मटेरियल दिया है वो मटेरियल
यू सत्यनारायण बायोकेमिस्ट्री का जो बुक है, बहुत ही वेल नोन बुक है, उसमें से ये मैंने कंटेंट लिया। तो नॉर्मली जो केम वैल्यू है वो कैसी है, वो कॉन्स्टेंट है राइट। और हम ये जो एंजाइम इनिबिशन का भी मैंने बात किया है कि कॉम्पिटिटिव इनिबिशन, नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन, अनकॉम्पिटिटिव इनिबिशन, ये इनिबिशन का हम इफेक्ट चेक कर सकते हैं केएम और वीमैक्स वैल्यू पे। तो केएम और वीमैक्स उसके ऊपर कौन सी इफेक्ट आती है जब इस टाइप के इनिबिशन होते हैं, वो भी हम चेक कर सकते हैं। ईएस कॉम्प्लेक्स की जो स्ट्रेंथ है वो हम मेजर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ केएम वैल्यू। तो जितनी केएम वैल्यू लो होगी, जितनी केएम वैल्यू लो होगी उतनी ही स्ट्रॉन्ग एफिनिटी बाइंडिंग प्रॉपर्टी होगी एंजाइम और सब्सट्रेट की। तो दैट मींस जितना केएम वैल्यू लो उतना स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग एंजाइम और सब्सट्रेट का। तो ईएस कॉम्प्लेक्स का स्ट्रेंथ अगर हमें डिसाइड करना है तो वो हम केएम वैल्यू या तो माइकलिस मेंटेन कॉन्स्टेंट से हम कर सकते हैं। मेजोरिटी एंजाइम जो होते हैं उसके केएम वैल्यू की रेंज 10^-5 टू 10^-2 मोल जितनी होती है। सो आई होप यू एंजॉय दिस लेक्चर। यहाँ पे मैंने बहुत ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पे डिस्कशन किया, मैंने मेरे तरीके से आपको समझाने का ट्राई किया, तो आपको अच्छा लगेगा। आप कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आपके दोस्तों को भी शेयर करवाइए मेरी चैनल। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपका कोई सजेशन है तो आप यहाँ पे जो मेल आईडी है उसके ऊपर आप मेल कर सकते हैं राइट, और इंस्टाग्राम या तो कमेंट बॉक्स में भी आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।